ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चेन्नई स्क्रीन पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत का सेशन, संस्कृत का वीडियो आप सभी को कंटिन्यू मिल रहा है, और उस संस्कृत के वीडियो में आप सभी को मैं जो संस्कृत का वीडियो दे रहा हूँ, वो संस्कृत के वीडियो में आप सभी को जो मिला है वीडियो, उसमें पहला पाठ मंगलम का आप सभी को वीडियो मिल चुका है। अब जो आज जो वीडियो की बारी है, उसका मैं क्वेश्चन आंसर, उससे संभावित हिंदी के प्रश्न मैं तीन वीडियो में आप सभी को अवेलेबल करा दिया हूँ। अब जो बारी है वो दूसरे पार्ट की है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो आज हम लोग पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मूलतः इसका वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले बोल दिया हूँ, वीडियो बड़ा होगा लेकिन क्वालिटी भरपूर होगा, इसलिए वीडियो को पूरी अच्छे से देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगता है, एक आदमी से नहीं हो पाता है, अलग, वो भी विद्यार्थी है मेरा, छोटा भाई की तरह वर्कआउट करता है मिस्टर शिवम कुमार, और उसके प्रयासों से ये सब संभव हो पाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ उसका भी मेहनत और मेरा भी, ध्यान में रखते हुए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज पाटलिपुत्र वैभव। मुद्दे की बात यह है कि पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, वैभव का मतलब होता है सुंदरता। तुम लोग जो पढ़ रहे हैं बाबू, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। मेरे पास आपके सामने एक किताब है, जिस किताब का नाम है पीयूषम। मैं इसी में से देख करके मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई कुंजिका, कोई गेस पेपर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अगर बुक से संबंधित अच्छा करना है, उसके लिए आपको किताब चाहिए, ना कि आपको कुंजिका और गेस पेपर चाहिए। तो इसको आप मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, तो उसको करने के लिए आपको मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, किताब को अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब क्या करना है सो ध्यान से सुनोगे। पहला जो लाइन है मैं अच्छे से पढ़ के समझा रहा हूँ, वो अपना किताब रख के सामने रखोगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रेषु सर्वेषु कालेषु महत्वधारम। बिहार की राजधानी पटना पुराने समय से, लंबे समय से महत्व धारण करते हुए आ रहा है, अपना एक विशेष महत्व धारण किए हुए है। अस्तु हितास सादर सहस्त्र वर्ष परमिति वर्तते। अर्थ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेष ने ध्यान आकर्षणम। यहाँ राजनीति क्षेत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेषण ध्यान आकर्षण, मतलब यह अपने तरफ ध्यान आकर्षित खींचता है। पटना में राजनीति क्षेत्र है, पटना में धार्मिक क्षेत्र है, पटना में राजनीति क्षेत्र जो आपको अपने तरफ आकर्षित करेगा। विदेशी का यात्री, विदेशी यात्री मेघास्तनिज फाहियान हेनसांग इति सिंह प्रभतः पाटलिपुत्र वन स्व स्व संसार चक्रेशु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो भारत है वो भारत प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और उस 16 महाजनपदों में से एक मगध जो थी वो बहुत बड़ी जनपद है, जिसमें पाटलिपुत्र भी आया करता था मगध में, और वहाँ का जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो ये विदेशी यात्री जो हेनसोंग है, फाहियान है, इन सभी का आगमन हुआ है दूसरे दूसरे राजाओं के काल में। अब मैं बताता हूँ पाटली, वो उनके द्वारा जब आया गया, जब आए विदेश से यहाँ पर, तो पाटलिपुत्र उसके सुंदरता के बारे में, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में वर्णन किए हैं, उस बुक से हमको ये बात की जानकारी मिलती है। आए कहता है पाठे अस्मिने पाटलिपुत्र वैभव समान परिचय वर्तते। पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में आपको हम समान परिचय बताएंगे। इसे पटना का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लेकिन इस पाठ में आपको हम एकदम साधारण से साधारण आपको जानकारी देंगे। अब क्या होता है जरा आपको इस अच्छे से समझना चाहिए। कहता है प्राचीन भारतीय नगर स्व पाटलिपुत्र मुखम वश छिद्र महाभरण भवती तदि दामोदर नाम कवि
कुटनामिकते कथा भवति। कहता है कि प्राचीन भारतीयसु नगरेषु पाटलिपुत्र नुंगम वश्चित्र महानगर भवति। पुराने जमाने में पाटलिपुत्र नाम नगर एक बसा हुआ था। बभुआ तथि दामोदर गुप्त नाम कवि काव्य कथती। कहता है दामोदर गुप्त नाम का जिसने कुटनीति नाम के है, उन्होंने कुटनीति कुट निमतामख्य कूट निमताख्य काव्य खंड का दामोदर गुप्त ने एक रचना किया था, जिसमें कहा था अस्ति महितिकलम सरस्वती महानगरम। यह वही जगह है पटना जो सरस्वती का कुलगृह होगा। कुलगृह मतलब जहां सरस्वती निवास करती है। पटना में विद्या का केंद्र है, यही जो जगह है जो ज्ञान का केंद्र होगा। अस्ति महितिकलम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम पाटलिपुत्र पड़ी पुत पुनरस्थानम। मतलब कि दामोदर गुप्त के द्वारा एक किताब लिखा गया, जिस किताब का नाम है कुट्टी निमताखे, जिसमें कहा गया है कि पटना में सरस्वती का कुलगृह है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे सरस्वती का कुलगृह है, नामनम पाटलिपुत्र पड़ी पुनरस्थानम। मतलब बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही मनमोहक जगह है। इतिहास सुनते, इतिहास कहता है, इतिहास में सुनिए हुईगा, यत्र गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। यह बुद्ध काल के ग्राम, बुद्ध काल के जमाने में नहीं, गंगा के तट पर स्थित शहर है। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः, यहीं पे भगवान बुद्ध ने समागम भी किया। तीन कथा मिस्तः यद ग्राम महानगरम भविष्यति। आपको मैं बता दूं, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे बौद्ध संगति का दूसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र में किया था, जहाँ पे उन्होंने उस समय इसका भविष्यवाणी किया था, पटना के भविष्य के बारे में क्या क्या कहा था। उलाइन ये कहता है कि ग्रामोसन महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहम जल पुरस्य भयात सर्वत प्राप्ति भवति। भविष्य में पटना का नाम होगा, विकास होगा, सरस्वती का कुलगृह होगा, यहाँ निवास भी करेगा सब कुछ, लेकिन इसका विनाश होगा किसके कारण, कलह के कारण विनाश होगा, आग के कारण विनाश, यह डूब जाएगा जल से। जल पुरस्त भ्यान सर्व क्रांत बहुत ही, और सभी जगह तराही माम होने लगेगा। कालेन्द्र पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अतिकास्ती यूनान राजदूत मेघा स्थनिज स्वशंसा निरुपति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेघास्त्रिज नामक विदेशी यात्री आया था। मेघास्त्रिज ने किताब लिखी, पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका, और उसमें इस चीज़ का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की सुंदरता किस प्रकार की थी, वैभवम से पाटलिपुत्र सुंदरता, पाटलिपुत्र वैभवम का किस तरह का व्याख्यान था, पाटलिपुत्र किस तरह वर्किंग करता था, उसके बारे में वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कह सकते हैं, जिसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके, चाणक्य की सहायता से घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की, और वही मौर्य वंश का अच्छे राजाओं में से गिना जाता है, क्योंकि सबसे चक्रवर्ती जो राजा है मौर्य वंश का, उसके बारे में कहा जाए अशोक जो थे उस वंश के सबसे अच्छे राजा थे, और अशोक के बारे में सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा कम। उसके बाद बिंदुसार की बारी आती है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक बड़ा लड़का नहीं था, उसे अपने सिंहासन के लिए लोगों से लड़ना पड़ा, मतलब अपने भाइयों से, और लड़ने के बाद तब उन्होंने अपनी सिंहासन की स्थापना की। महेंद्र के पास, अशोक के पास एक पुत्री और तीन पुत्र थे, जिसमें महेंद्र जालोक और तीवर, महेंद्र जालोक और तीवर पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन सभी से वो अपना बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। मैं इतना ही बताऊंगा अभी इस लाइन में कि भगवान बुद्ध के द्वारा पटना के बारे में भविष्यवाणी क्या कहा था कि सरस्वती का कुलगृह होगा और इसका विनाश भी, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कहता है सर्वक्रांत सभी जगह तराही माम होगा। क्यों होगा, आग के कारण, पानी में डूबने के कारण और कलह के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत कृष्टा यूनान राजदूत मेघास्त्रिज संस्वार भवत। मैं पढ़ा दिया कि यूनान का राजदूत जो था वो मेघास्त्रिज, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी, उस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है कि वह कितना सुंदर था, कितना अच्छा था।
अस नगरस्य वैभवं प्रियवर्धिनः अशोकः समये सुतरां समिधं बहुकाल पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परम प्रिया पर्वत इति राजशेखर स्वकामीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मृति। बहुकाल में पाटलिपुत्र प्राचीना सरस्वती प्रांपित युवरान राजदूता कहता है कि बहुकाल पुराने जमाने में प्राचीना सरस्वती परम्परा पार्वत था इति राजशेखर। अब ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से पूछेगा जो आपको याद रखने हैं। पहला कि दामोदर गुप्त नामक कवि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो बोलोगे जिसका नाम है कुटनीमकताख्यो। अब पूछेगा राजशेखर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा के द्वारा राजशेखर के जो प्रश्नोत्तरी मिलेगा उस समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बात याद रखना है कि काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख जो था उन्होंने की था, उसमें कहा है अत्रोप वर्ष वर्ष विही पाननी पिंगलम वाही व्यंगी वर पिचली ही प्रख्यात ख्यातु पगमो। मैं धन्य हूँ मैं उस धरती के बारे में, मैं उस पावन धरती के बारे में व्याख्यान कर रहा हूँ जहाँ पे पाननी जैसे व्याकरणी पैदा हुए हैं, पिंगल जैसे वागी, वर्च चित पतंजलि जैसे योग गुरु भी रहा करते। यह परीक्षा ख्याति पुजमग, यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कतेसु प्राचीन संस्कृतु ग्रंथेसु पुराना देशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुरुषपुर कुसुमपुर वह प्राप्त थे। पुराने ग्रंथों में पटना का नाम पुरुषपुर कुसुमपुर प्राप्त हुआ है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणः बहु मुतान भवति। इस नगर के करीब में बहुत सारे पुष्पों की खेती होती थी, उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र पुत्रमिति शब्दो पाटल पुष्पाणः पुटलिकारितः प्रचलितः। पाटलिपुत्र जो शब्द है एक फूल का नाम था जो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, पाटली पुष्पम पाटली पुष्पाणः, और उस पाटली पुष्प से उस पाटली फूल से नामकरण करके पटना का नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया। कहता है शरत काले नगरी अस्मिन् कौमोदी महोत्सव इति सम्मान सहोर गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। ये सवाल पूछता है कि गुप्त वंश के शासन काल में गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, इतिहास की बात है। गुप्त वंश को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में बहुत चीज़ों का विकास हुआ है, और उसी गुप्त काल में पाटलिपुत्र में कौमोदी महोत्सव मनाया जाता था। किस मौसम में, शरद काल में, ठंडा के दिनों में, दुर्गा पूजा के समय में। तो आपसे सवाल पूछेगा कि शरद काल में, शरद काल के मौसम में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो कौमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ये कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन तम प्रति दुर्गा पूजे अवसरे तादिश्रम सामरोह दृष्टते। समारोह के समय में, दुर्गा पूजा के समय में, दुर्गा पूजा के स्थिति में लोग क्या मनाता था, तो दुर्गा पूजा के समय में कौमोदी महोत्सव मनाया जाता था। और वह जो समय था वो कौन था, गुप्त वंश का शासन काल। वही गुप्त वंश जिसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश का शासक था। वही गुप्त वंश जिस गुप्त वंश में सिक्कों की उच्चारण आरंभ हुए, वही गुप्त वंश जिसे इतिहास में स्वर्ण काल की उपाधि दी, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य प्रकार के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भी उसी गुप्त काल में विकसित हुए। काल चक्रवात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष संप्रति जिनार्तमव तस संकेत अनेक साहित्य ग्रंथेशु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। मैंने कहा था एक विदेशी यात्री थे जिसका नाम विशाख दत्त था, और विशाख दत्त के द्वारा किताब लिखा गया जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। और उस मुद्रा राक्षस में बताया गया है, उस मुद्रा राक्षस में यह समझाया गया है कि मुद्रा राक्षस में इस चीज का किताब का नाम है, कोई राक्षस राक्षसनी का नाम नहीं। तो किधर ताकता है, इधर ध्यान लगा ना, संस्कृत पढ़ता है या लभेरिया चभेरिया का बात नहीं होगा। संस्कृत संस्कार भवती, संस्कृत संस्कार सिखाता है, और संस्कृत की क्लास में हम लोग संस्कारी बात ही कर सकते हैं। संस्कृत विज्ञान हमें बचलन, विज्ञान हमें वैसी चीज़ों का ज्ञान देता है जिससे हो सकता है आपकी संस्कार चली जाए, जो भारतीय परंपरा के खिलाफ है, लेकिन संस्कृत हमें ऐसे सिखाती है।
जो हमें अपने संस्कार में मर्यादा में रहने का। तो मेरे शिष्य और मेरे शिष्याओं, मेरे बातों को बड़े ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे बातों को अच्छे से सुनिए। वह कहता है कि मुगल काले अत्स नगरस्य समिद्रो जाते। मुगल वंश शुरू होता है कहाँ से? बाबर से। बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार करके 1526 में मार दिया था। 21 अप्रैल 1526 को मार करके पानीपत का प्रथम युद्ध कंप्लीट करके लोदी वंश को स्थाप खत्म करके इब्राहिम लोदी को मार करके मुगल वंश का आगाज किया। और मुगल वंश का प्रथम राजा जो था वो बाबर था। और जैसा कि आपको पता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके बाद और सारी पीढ़ियां चलती होती। लेकिन हमें इतिहास तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि मुगल काल में भी पटना की स्थिति बहुत अच्छी थी। आंग्ल काल शासन काले मतलब जब शिवाजी, आंग्ल काले मतलब अंग्रेज के शासन काल में भी पाटलिपुत्र सूत्रों विकास जाते, पटना का भी विकास हुआ है। नगर मिदम मध्यम काले एवं पटने ती नाम न प्रसिद्ध। नगर का नाम कुछ दिन बाद पटना रख दिया गया, क्योंकि यद शब्द पतन मिनीति शब्दात निर्गत नगल पश्य पालिका देवी पटन देवे थी अद्यत पूजते। पटना का नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना रखा गया, क्योंकि आधुनिक काल में यहाँ पर एक नगर पालिका देवी के रूप में एक देवी रहती है, उस देवी के रूप में जिनका नाम है पटन देवी, और उन्हीं पटन देवी के नाम पे पटना का नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना रख दिया गया। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहार राजधानी चस्ती। जैसा कि आप सभी को पता है, सब कुछ से संपन्न, हर चीज से भरा पूरा बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। पहले भी बिहार की राजधानी पटना ही हुआ करता था, लेकिन बिहार की रकवा कुछ बड़ा था। और आज बिहार से कौन कौन राज बट गया, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो राज है, जो हम लोग को जानना चाहिए, वह है झारखंड। तो बिहार से झारखंड अलग हो। संप्रति पाटलिपुत्रम पटमात नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहार राजस्य राजधानी चस्ती आगुने ग्रह नगरस्य विस्तार भवति। अभी नगर का विस्तार हुआ। और अस्योह दिशि गंगा नदी प्रसिद्ध, इसके उत्तर दिशा में गंगा बहता है। ये कहता है कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। और गंगा जो है किस नदी के किनारे, सॉरी पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी तीराए तिष्ठति पटना। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तस ऊपरा, उस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नारमह एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेल याने सेतु अपि निर्माण वर्तते। लेकिन उस पर क्या है, उस पर एशिया का सबसे बड़ा रोड सड़क मार्ग का पुल बना हुआ है, जिसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है। उस पर रेलगाड़ी के लिए भी पुल बनाया जा रहा है का एक किताब के अनुसार। वर्तमान में बन चुका है, लेकिन किताब के अनुसार बन रहा है। नगर अस्मिने हैं उत्कृष्ट, नगर में कुछ उत्कृष्ट जगह है, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब चिड़ई घर, मौर्यकालिकम अवशेष, मौर्य काल के कुछ अवशेष टूटल फूटल पत्थर उत्थर संग्रहालय में मिलेगा। महावीर मंदिर पटना का फेमस, बजरंग बली का मंदिर, जय हनुमान, ज्ञान गुंसागर, जय कबीर, त्रिलोक उजागर, रामदूत, अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र, पवन सुतनामा। पढ़िए एक बार हनुमान चालीसा, फिर हम लगा पढ़ते हैं। महावीर मंदिर इत्यते हैं, आज मंगलवार है महावीर का वार, मंगलवार है। महावीर मंदिर मित्रता दर्शिना संति प्राचीन पटनागरे सिख संप्रदाय पटियन पूजनीय स्थलम दसमा गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थान गुरु दारित्य नाम प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन काल से गुरु गोविंद सिंह, जो सिखवे के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, उनका भी पूजनीय स्थल कहाँ है, जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, पटना है। तत्र देशासह तिष्ठानि दर्शन महती, ये देश में तिष्ठानि के रूप में भवति।
एवः पाटलिपुत्रः प्राचीन कालात् आधावादि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वत्र संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटमान चित्रे नगरेस्मिन् महत्वम्। अगर आप चाहते हैं प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति स्वच्छ संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयति, आप संग्रहालय में प्राचीन काल के जो भी चीज़ है वो आप उसके नक्शा में व उसके पर्यटन मानचित्र नगर मित से प्राप्त कर सकते हैं और आप जाकर के घूम सकते हैं। इति श्री रेवाखंडे द्वितीय पाठ संस्कृत पीयूषम द्वितीय पाठ समाप्त भवता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाभुजोषां मलकोमलांगं सीतासमारो गति पजे हम। नमस्कार, अब आप सभी का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्रीमपुर। वीडियो को शेयर करना मत भूले। अहाँ सके हम नवीन कुमार, अहाँ सके शिक्षक, अहाँ सब शिष्य शिष्या से यह आग्रह करै छी कि वीडियो के शेयर कलम मत भूलम। और अब हमारा चैनल पर नए छी तो जरूर सब्सक्राइब करम, काहे कि अहाँ के लेटेस्ट वीडियो मिलत रहे और संस्कृत में अहाँ सके कोई दिक्कत ना होए और परीक्षा में उन्नत अंक प्राप्त कर लें। तब तक के लिए तथास्तु।